समाचार पत्रों के माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली। यहाँ पर देखिए कि होमगार्ड के 10,285 पदों पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। देखिए यहाँ पर जो 10,285 पद हैं, कुल मिला के आयु सीमा जो है कम से कम आपकी उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी उम्र 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी आपका जन्म जो है 2 जनवरी 1979 से 1 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो चयन की प्रक्रिया है, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा यानी आपका शारीरिक माप एवं क्षमता परीक्षण होगा, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। शारीरिक मापदंड की बात कर लें तो कम से कम पुरुष की लंबाई 165 सेंटीमीटर व महिलाओं की लंबाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक परीक्षण में जो है 1600 मीटर यहाँ पे दौड़ है। 20 से 30 वर्ष तक के पुरुष को जो है 6 मिनट में जो है पूरी 1600 मीटर पूरी करनी होगी और महिलाओं के लिए 8 मिनट में। यहीं से 30 से 40 वर्ष तक के पुरुषों के लिए 7 मिनट में 1600 मीटर और महिलाओं को 9 मिनट में 1600 मीटर पूरा करना होगा। ये सब दिया गया है। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये है और आवेदन की प्रक्रिया जो है वो आपका जो है ऑनलाइन किया जाएगा। परीक्षा में 80 बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें से प्रत्येक प्रश्न एक अंक का यहाँ पे होगा। DGHZEnrollment.in पर यहाँ पे इसको किया जाएगा, ठीक है। और जो भी जानकारी होगी आपको फिर से बताया जाएगा और इसके बारे में ऑफिशियल रूप से। और बात कर लेते हैं रेलवे भर्ती के बारे में, तो रेलवे भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने देखिए आपको पता है कि राजेंद्र नगर में 3 घंटे तक ट्रेन रोकी थी, ठीक है। उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 1.5 लाख लोगों को अब जो है रेलवे जो है रोजगार देने वाला है और उसकी प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि आप जानते हैं कि 20 जनवरी से 5,696 के लिए ALP की जो भर्ती है वो शुरू हो चुकी है। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि अब हर वर्ष रेलवे में हर वर्ष भर्तियाँ की जाएंगी, हर वर्ष जो पद खाली होंगे उन्हें हर वर्ष भरा जाएगा। जो वहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन हुआ इसका ये फायदा आप देखिए। और देखिए पुलिस भर्ती में एक और न्यूज़ है कि आप जो है 21 तक आवेदन कर सकते हैं। ये किसके लिए? जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने लिपिक और कंप्यूटर संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है, जिसमें से आपका उपनिरीक्षक है, सहायक उपनिरीक्षक है और सहायक उपनिरीक्षक लिपिक है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए तथा प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए है। और अब जो है फॉर्म वो फिर से भर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बात कर लेते हैं तो यहाँ BPSC के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो है तीसरे चरण जो BPSC 3.0 के बाद बात है, तो तीसरे चरण की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो चुकी है। पहले चरण में खाली रहे 20,000 पद जो है वो भी इसमें जुड़ेंगे, तो ये और विशेष शिक्षकों के जो है 7200 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। और एक खबर आपको बता दें कि जो PCS 24 जो फीस जमा करने का आज अंतिम मौका है, तो जो जिन्होंने फीस नहीं जमा किया वो आज फिल कर दें। चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के लिए 2532 पदों पर भर्ती होनी है। आप जो है अगर आप इसके योग्य हैं तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये आज के बारे में रहा, और जो भी आपको अपडेट आएगी हर दिन आपको समय समय पे जो है आपको अपडेट दिया जाता रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।